कि पाकिस्तान में पूरी रात ब्लैकआउट रहा, जिसके बाद हड़कंप मचा। लेकिन देखिए किस तरह से पाकिस्तान में अंधेरा छा गया है। इमरान खान को डर लग रहा है कहीं एक और स्ट्राइक ना हो जाए। सरकार जो तारीख पे तारीख दे रही है, ये सिर्फ किसानों का जो मल धरना है इसे कमजोर करने के तय कर रही है। तो क्यों सारी बिल्डिंग का नाश कर रहा, फाड़ के फेंक सुथरी बिल्डिंग ना डाला, दोबारा से बनाओगे? किसानों ने मांगा था। ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। हमारे देश में रोज कोई ना कोई मुद्दा मीडिया में चर्चा में रहता ही है, लेकिन हमारे देश के मीडिया को अपने देश से ज्यादा तो पड़ोसी देश की चिंता रहती है। मीडिया में हमें पाकिस्तान से जुड़ी काफी खबरें देखने को मिलती रहती हैं, भले ही अपने देश की हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो। लेकिन आज हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं आपको बताते हैं। दरअसल 9 और 10 जनवरी को पाकिस्तान में देर रात अचानक बिजली गुल हो गई और कई शहर अंधेरे में डूब गए। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी में अचानक 50 से जीरो की गिरावट होने की वजह से देशव्यापी ब्लैकआउट हो गया था। इस खबर को हमारी मीडिया ने भी खूब चलाया और इस पर मीडिया में डिबेट भी देखने को मिली, क्योंकि खबर पाकिस्तान से जुड़ी थी इसलिए शायद चर्चा भी जरूरी थी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। जब पूरी दुनिया के लोग रात भर निश्चिंत होकर सो रहे थे, तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोग पूरी रात जाग रहे थे, और वो भी इसी खौफ में कि न जाने किस वक्त क्या हो जाए। ब्रेकिंग न्यूज ये कि पाकिस्तान से जानकारी मिली कि पाकिस्तान में पूरी रात ब्लैकआउट रहा, जिसके बाद हड़कंप मचा। रात भर घोर अंधेरे में पाकिस्तान डूबा रहा। पूरे पाकिस्तान में भयंकर ब्लैकआउट, यानी कि कहीं पर भी बिजली नहीं थी। बड़ी खबर इस वक्त की पड़ोसी मुल्क से जुड़ी हुई। पाकिस्तान में कल रात से गई बिजली अब तक नहीं आई है। पूरा पाकिस्तान रात भर अंधेरे में डूबा रहा। बिजली ठप होने से इंटरनेट सेवा भी बंद हो गई और मोबाइल सेवा पर भी इसका असर पड़ा है। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जनरेटर से काम चल रहा है। पावर ग्रिड फेल होने की वजह से पाकिस्तान पर ऐसी मुसीबत आई है। सरकार ने इसकी जांच के लिए बाकायदा एक कमेटी का भी गठन कर लिया है। किसी किसी मीडिया चैनल ने तो खबर को बालाकोट से भी जोड़कर दिखाया और भी बहुत कुछ कहते नजर आए। पूरा पाकिस्तान रह रहा था पाकिस्तान में ब्लैकआउट से खौफ में, इमरान है तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। सिर्फ जी हिंदुस्तान पर पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया है, एयर स्ट्राइक के खौफ में आए इमरान सरकार। आपको बता दें ट्रांसमिशन लाइन की फ्रीक्वेंसी में गड़बड़ी से ये ब्लैकआउट हुआ है, लेकिन देखिए किस तरह से पाकिस्तान में अंधेरा छा गया है। इमरान खान को डर लग रहा है कहीं एक और एयर स्ट्राइक ना हो जाए उस पर, लेकिन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा आपको नजर आएगा। देखिए पाक में ब्लैकआउट से पूरे हुक्मरान जो है वो खौफ में है, एयर स्ट्राइक के खौफ में आई है इमरान सरकार। ट्रांसमिशन लाइन की फ्रीक्वेंसी में गड़बड़ी बताई जा रही है, जिस वजह से यहां पर ब्लैकआउट हुआ है। बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान को इस बात का खौफ था कि कहीं फिर से एयर स्ट्राइक ना हो जाए। इमरान सरकार खौफ में डूबी हुई थी, पूरा पाकिस्तान अंधेरे में था के खौफ में है पाकिस्तान। पाकिस्तान को ये डर है कि कहीं अंधेरे में भारत उस पर एक और एयर स्ट्राइक ना कर दे। भारतीय मीडिया को पाकिस्तान में क्या चल रहा है इसकी चिंता ज्यादा है, लेकिन भारत का क्या? मीडिया को अपने देश की समस्याओं को भी जनता के सामने रखना चाहिए। देश में पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर तो मानो बात होनी ही बंद सी हो गई है। अगर NDTV की खबर को देखें तो पेट्रोल के दाम 85 के पार और डीजल के दाम 75 रुपये प्रति लीटर के पार हो चुके हैं। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ काफी आवाज उठाते थे। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। अब कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल की कीमत $54 के आसपास है, यानी कि एक बैरल की कीमत भारत की करेंसी में 3,900 के करीब है। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है, मतलब प्रति लीटर कच्चे तेल की कीमत तकरीबन 25 रुपये हुई, मगर पेट्रोल के दाम 85 रुपये प्रति लीटर के पार हो चुके हैं। अब अगर हमारे मीडिया को पाकिस्तान की बात करना पसंद है तो चलिए अब पाकिस्तान की ही बात करते हैं।
पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 106 पाकिस्तानी रुपए हैं, मतलब भारत की करेंसी के हिसाब से देखें तो वहाँ 48 रुपए का एक लीटर पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन भारत का मीडिया ऐसी खबर तो कभी नहीं दिखाता। देश में किसानों का आंदोलन जारी है, पर मीडिया किसानों की आवाज़ सुनने के बजाय पाकिस्तान में बिजली क्यों गई इस पर बात करने में मसरूफ़ है। आप सुनिए किसान क्या मांग कर रहे हैं देश की सरकार से। सरकार जो तारीख दे रही है, ये सिर्फ किसानों का जो मल धारणा है इन्हों इसे कमज़ोर करने के तय कर रही है। अब किसान जाग गया जी, किसान कमज़ोर नहीं है जी, किसानों को सब पता है, क्योंकि झूठ पे झूठ इधर तरीक तो जी कहने का मतलब ये मांगे जाएंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा इस बिल को जल्द से जल्द पूरी तरीके से खारिज करें। मतलब प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है कि प्रस्ताव जो दिया 1.5 साल सस्पेंड करें उससे बात नहीं बन रही। सर मैंने अभी भी वही चीज़ कहा है, ये सिर्फ जुमला है, ये आपको सिर्फ 2022 में जो चुनाव आ रहा है ना उत्तर प्रदेश का, सिर्फ उसके लिए है। भाई एक बात बता, इसमें 15 क्लोज हैं, 9 क्लोज तो सरकार मानगी के गलत है संशोधन करने की, नहीं हमारे नेता करे 12 गलत है, बचे कितने 3। तो क्यों सारी बिल्डिंग का नाश कर रहा, फाड़ के फेंक सुथरी बिल्डिंग ने डाला दोबारा से बनाओगे। किसानों ने मांगा था, क्या दिक्कत है भाई। मीडिया द्वारा किसानों को खालिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग तक बता दिया गया है। किसान पिछले 1.5 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिस दौरान 50 से ऊपर किसानों की मौत भी हो चुकी है। मीडिया के लिए मुद्दा जरूरी या तो ये है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, या फिर गृह मंत्री अमित शाह क्या खाना खाने वाले हैं। और इस वक्त बड़ी खबर ये कि अमित शाह 19 दिसंबर को एक किसान के घर जाएंगे और खाना खाएंगे। भोजन करते हुए हमें दिखाई दे रहे और इस वक्त लंच करते हुए, कल भी उन्होंने लंच किया था ठीक उसी अंदाज में जैसे हम आप और बाकी लोग अपने घर में भोजन करते हैं, उसी अंदाज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोजन कर रहे हैं। और पूरे चाव से खाया गया और पूरे शौक से खाया गया, पूरे चटकारे लेकर खाया गया। जी बिल्कुल सपना, ये गृह मंत्री वैसे भी खाने पीने में बहुत शौकीन है। अमित शाह की थाली में आज क्या क्या चीजें हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। दाल है, भात है, बैगन भाजा, ये बंगाली स्पेशलिटी होती है। पश्चिम बंगाल का रोटी, दो तरह की सब्जी, जैसा कि आपने चटनी का जिक्र किया, दाल रखी हुई है और अब लग रहा है मिठाई भी वहां पर आ गई है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को विस्तार से समझा सकते हैं कि क्या क्या उन्हें लंच में सर्व किया गया है? फूल गोभी तरकारी थी, चटनी थी, बैंगन भाजा था। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया देश के अहम मुद्दों पर चर्चा करे और देश की जनता तक जरूरी जानकारी पहुंचाए, और इसके साथ ही बढ़ती महंगाई पर भी सरकार से सवाल करे, ना कि लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश करे। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।